So guys, this is Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि आप अपने मोबाइल के अंदर वायरल रील्स वीडियो कैसे बना सकते हो या फिर आप कह सकते हो क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो पर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाए है, वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने मोबाइल के अंदर रील्स वीडियो एडिटिंग करने के लिए या रील्स वीडियो बनने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा इस वीडियो एडिटर का। आपको स्क्रीन पर वीडियो एडिटर दिखाई दे रहा है, इस वीडियो एडिटर का नाम है बीटा वीडियो एडिटर। आप इसे आसानी से गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर आपको कोई भी वाटरमार्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप इसे बेसिक फ्री में जो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बीटा को ओपन कर लेना है, बीटा ऐप को। और इसे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, ऊपर में आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। सो आप देख सकते हो प्लस आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी वीडियो एडिट करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपने रील्स वीडियो को शूट किया हो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर ऊपर में आपको ऑल का ऑप्शन मिलता है, ऑल पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है फोल्डर से वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम अपना जो वीडियो उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते, जैसे कि मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहो तो मल्टीपल वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो एक ही साथ में। तो उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आ जाएगा इस ऐप के अंदर, ये आप देख सकते हो। सो यहाँ से आप जो अपना जो वीडियो उसको प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस टाइमलाइन को जो है जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर, लाइक मैं आपको दिखाया था ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने टाइमलाइन को जो जूम कर लिया और अभी आप इसे प्ले करके देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप अपनी वीडियो पर कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, लाइक कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर क्या करना है आपको, राइट पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे, काफ़ी सारा यहाँ पर आपको जो फिल्टर मिल जाता है, आप कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पर काफ़ी सारा जो ट्रेंडिंग फिल्टर मिल जाता है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो पर एक फिल्टर अप्लाई करना चाहिए, अगर मैं अप्लाई करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लाइक काफ़ी सारा फिल्टर मिल जाता है, आप यहाँ से अपनी वीडियो के हिसाब से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। एंड मेक श्योर आप अपने फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे ऑन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, हमने कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया, मैंने जस्ट आपको दिखाया कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो नॉन कर लेते और यहाँ से आ जाते बैक, और यहाँ पर आप फ़िल्टर अप्लाई करने के साथ एडजस्ट भी कर सकते हो अपनी वीडियो को, लाइक सेचुरेशन वगैरह अगर आप इनक्रीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना जो वीडियो उसको स्लो मोशन अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो देख लेना है आपको अपनी वीडियो की कौन सी पार्ट को स्लो मोशन करना है। अगर आप पूरा वीडियो को स्लो मोशन करना चाहते हो, लाइक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडिट, इस पर क्लिक करना है। यही आप देख सकते हो आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं फेवरेट के बगल में, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिलता है स्पीड, सिंपली स्पीड पर क्लिक करना है। अगर आप फास्ट मोशन करना चाहते हो वीडियो को, तो फिर इस लाइन को आप इस तरीके से आगे की तरफ लेके जाएंगे और आप इसे 4x फास्ट कर सकते हो। तो हमें स्लो मोशन करना है तो हम इसे पीछे की तरफ लेके आ जाएंगे और इसे हम लेके आ जाएंगे सीधा 0.25x, ठीक है, 0.25x पर, तो आपका वीडियो जो है स्लो मोशन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस कोना पे एक जो टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। सो अभी मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये आपके वीडियो पर जो स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है और आप देख सकते हो स्मूथ स्लो मोशन हो चुका है हमारा वीडियो। तो इस तरीके से आप काफ़ी इजीली स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो, यानी कि अपना जो रील्स वीडियो उसको स्लो मोशन कर सकते हो। अभी क्या करना है, यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो के साथ मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग अपने वीडियो पर ग्लिच इफेक्ट अप्लाई करते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम रील्स पर आजकल जो है स्लो मोशन वीडियो के साथ काफ़ी ज़्यादा ग्लिच इफेक्ट अप्लाई किया जा रहा है। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, लाइक स्लो मोशन करना तो आपने सीख लिया, लेकिन ग्लिच इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो आप अपनी वीडियो पर, वो अभी हम सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट, सिंपली इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ सब इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है, आप देख सकते हो। सो आप यहाँ से इनको इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले तो ग्लिच को हम अप्लाई कर लेते, तो आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर मिल जाता है रेट्रो, कुछ ऐसा नाम का एक सेक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है,
काफ़ी सारा ग्लिच इफेक्ट मिलता है आपको यहाँ पर। सो लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लिच वन। आप ग्लिच वन अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ग्लिच वन कुछ इस टाइप का आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ग्लिच टू को अप्लाई कर सकते हो, और इस टाइप का जो है काफ़ी सारा ग्लिच इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो अपनी वीडियो के मुताबिक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो अप्लाई कर लेना। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, लाइक ये ग्लिच थ्री मिलता है, इसको मैंने अप्लाई किया, और उसके बाद आपके जो टिक मार्क मिलते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्लो मोशन वीडियो पर जो ग्लिच इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आप इसका टाइमलाइन अपनी वीडियो के टाइमलाइन के साथ एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ग्लिच इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और अभी अगर मैं आपको इसे एक बार प्ले करके प्रीव्यू करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो एक मस्त ग्लिच इफेक्ट आ चुका है आपकी वीडियो पर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद देखिए आपको इफेक्ट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको आ जाना है फ्रेम पर। फ्रेम पर आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा जो है फ्रेम इफेक्ट मिल जाता है। आप यहाँ से कोई भी फ्रेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक कुछ इस टाइप का फ्रेम अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इस टाइप का आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो आप जिस टाइप का अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और आप यहाँ से नियॉन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक कुछ इस टाइप का काफ़ी सारा नियॉन इफेक्ट मिल जाता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का भी इफेक्ट मिल जाता है। तो क्रिसमस पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सीधा मिल जाता है मोशन नाम का एक सेक्शन, आप इस पर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर मोशन इफेक्ट मिलता है, लाइक कुछ इस तरीके से मोशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। सो यहाँ से मैं आपको एक अप्लाई करके दिखाता हूँ, लाइक मैंने इसको अप्लाई किया, और ये कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर ये इफेक्ट जो अप्लाई हो जाएगा। एंड मेक श्योर आप अपने फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे ऑन कर लेना, ठीक है। सो मैं आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर रखा हो, तो आप भी अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ से जो भी इफेक्ट आपको अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर जो है इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो बाउंस इफेक्ट वगैरह भी मिल जाएगा। तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो होना, मैं आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो बाउंस इफेक्ट यहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा, और ये देखने में काफ़ी एक सिनेमेटिक टाइप का लगता है। तो आप बाउंस इफेक्ट को ट्राई करके ज़रूर से देखना, हो सकता है आपकी वीडियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगे तो आप बाउंस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो हमने बाउंस वन को अप्लाई किया, उसको कर देना है डन। इसे आप कौन सी क्लिप पर लगाना चाहते हो, लाइक आप इसे ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हो, इसका टाइम लेना बड़ा या छोटा कर सकते हो। सो हो सकता है आप किसी एक क्लिप पर लगाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, और इसका टाइमलाइन को मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ओके, और अभी यहाँ से प्ले करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर बाउंस इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ से और भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक इफेक्ट पर क्लिक करके स्प्लिट मिल जाता है। आप यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो अगर आप स्प्लिट स्क्रीन रील्स क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत ईजीली यहाँ से कर सकते हो। सो आप देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन आ चुका है, उसको कर देंगे डन। और इसे आप स्पेसिफिक किसी क्लिप पर लगा सकते हो, लाइक यहाँ से प्ले करके दिखाया तो ये मैंने प्ले किया, और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो ये स्प्लिट स्क्रीन बन चुका है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर वैरायटीज इफेक्ट मिल जाता है। सो आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर उसके बाद कर देंगे डन, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते बैक, और यहाँ से डायरेक्टली जो है आ जाते बैक। अभी अगर आप अपनी रील्स पर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हो। सो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो ये मैंने जो ट्रेंड्स लिख लिया। फ़ॉन्ट पर आके आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, लाइक बहुत ईजीली कर सकते हो हर एक चीज़ों को, और यहाँ से फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है मोर, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट मिल जाता है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट को जो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो उसका ओके में प्रेस करना, और इस टेक्स्ट को रिमूव कर लेते हैं, मैंने जस्ट आपको दिखाए हैं। और स्टिकर पर क्लिक करके आप जो है स्टिकर अप्लाई कर सकते हो, लाइक काफ़ी सारा आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सभी तरह की का जो है स्टिकर मिल जाता है। अगर आपको किसी भी टाइप का स्टिकर चाहिए, जैसे कि इस टाइप का, आप अपनी रील्स पर अप्लाई कर सकते हो। सो ये अप्लाई हो चुका है, एंड इसे आप इस तरीके से अपनी सबसे बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके अंदर आप एनिमेशन डाल सकते हो, एनिमेशन पर क्लिक करना है, और इस टाइप का आप एनिमेशन डाल सकते हो। सो आप देख सकते हो कुछ स्पेशल एनिमेशन इफेक्ट मिल जाता है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कर देंगे डन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके अंदर एनिमेशन आ चुका है। सो अभी यहाँ से आ जाते हैं बैक, और अगर आप अपनी वीडियो पर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, लाइक ट्रांजिशन स्प्लिट कर लेंगे सबसे पहले अपना जो वीडियो, उसको बीच में जो आइकन मिलते हैं इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ट्रांजिशन पैनल एक्टिव हो जाएगा।
सो उसके बाद आप यहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हो। सो काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप कर देंगे डन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो स्प्लिट कर लेता हूँ अपना जो वीडियो उसको, और उसके बाद इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ से फ्रेमिंग सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर काफ़ी सारा एनिमेशन मिल जाता है लाइक शेक इफेक्ट की तरह, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। सबसे पहले तो आप इन्हें डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, उसके बाद आप यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है इनको अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। सो आप पहले क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो है आपकी वीडियो पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कर देंगे डन, ये जो लाइन मिलता है ये लाइन पूरा फुल कर लेना, तो आपके पूरे क्लिप पर इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। सो आपको एक मस्त इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आप इस ऐप के अंदर रील्स एडिटिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ से म्यूज़िक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप जो डिवाइस सिलेक्ट करेंगे ऊपर से, एंड यहाँ से जो भी म्यूज़िक लगाना चाहते हो अपनी रील्स पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा म्यूज़िक लगाऊँ, तो लाइक यहाँ पर मैं इसको लगा लेते, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है, तो इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, सो थोड़ा वेट कर लेते, एंड आपके सामने एक प्लस आइकन आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। प्लस पर क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक आपकी वीडियो पर आ जाएगा, और म्यूज़िक का वॉल्यूम आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। फेड इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो अगर आप अपनी म्यूज़िक पर ऑडियो पर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो उसके बाद आप यहाँ से प्ले करके प्रीव्यू कर सकते हो, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे प्ले करना है। तो उसके बाद क्या करना है, सेव करना है अपनी गैलरी पर। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपने हिसाब से रील्स एडिटिंग कर सकते हो। मैंने आपको जो ट्यूटोरियल दिखा दिया कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद क्या करना है, रील्स एडिटिंग करने के बाद इसे सेव करना है आपको अपनी गैलरी पर। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो मिलता है रेजोल्यूशन 1080p, इस पर क्लिक करके आप इसका रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक आप कोई भी रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 1080p सिलेक्ट करूँगा फुल HD को। उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये सीधा आपकी गैलरी पर जो सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।